हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ट्यूबर सारा मैंने मंगाया था ये एमटीआर का राइस इडली ये इंस्टेंट इडली मिक्स होता है तो इसको बनाते हैं और देखते हैं इसका रिव्यू करते हैं तो पैकेजिंग की बात करें पैकेजिंग बहुत अच्छी है सारी इंस्ट्रक्शन जो है बहुत क्लियरली लिखी है एम आर यहाँ पर वन थर्टी लिखा हुआ फाइव ग्राम्स के लिए डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी है एक्सपायरी भी है और नीचे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन भी है सारी चीज़ें बहुत क्लियर लिखी हुई हैं और ये क्लेम करता है कि 20 से 25 सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली इसमें बन जाएंगी तो वो भी हम देखेंगे जो ये क्लेम करता है क्या ये पूरा कर पाता है या नहीं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बनानी शुरू करते हैं अपनी राइस इडली जो जो ये क्लेम करता है देखते हैं ये फुलफिल करता है यानी तो यहाँ पंद्रह मिनट में इसकी मेकिंग टाइमिंग उन्होंने कही है और तीन इजी रेसिपीज़ हैं सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनती हैं इडली या नहीं ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव इडलीज़ बनती हैं यानी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसका टेस्ट कैसा होता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देखते हैं ये सारी चीज़ें जो क्लेम करता है पूरी करता है या नि? तो आज मैं इसको बना रही हूँ माइक्रोवेव में और ये मेरा माइक्रोवेव है और ये इसके साथ इडली स्टैंड मुझे मिला था आप चाहें तो कुकर में भी इसको बना सकते हैं इसी इडली मिक्स के साथ ठीक है या आप चाहें तो इडली के स्टीमर में भी इसको बना सकते हैं लेकिन आज मैं इसको माइक्रोवेव में बना रही हूँ देखिए अगर आपके पास वेंग स्केल है तो सारी मेजरमेंट्स पीछे लिखी हुई हैं कि 200 ग्राम हमारे मिक्स के लिए कितनी दही और कितना पानी डलेगा दे लेकिन हर किसी के घर में मेजरिंग जो स्केल होता है या मेजरिंग वेंग स्केल जो होता है वो नहीं होता तो यहां पर मैंने क्या किया एक कटोरी ले ली है कोई भी आप अपने घर में एक कटोरी को सेट कर लीजिएगा सारी चीजें उसी से हम मेजर करेंगे तो दो कटोरी मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये मिक्स इसका इडली मिक्स डाला है दो कटोरी जिस कटोरी से मैंने इसको मेजर किया है ना मिक्स को उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी दही ले ली है दही बहुत खट्टा होना चाहिए दही अगर आपका खट्टा नहीं है तो आपने क्या करना है थोड़ा सा नमक इसमें डालकर और आधे एक घंटे के लिए बाहर छोड़ दीजिएगा का। किचन काउंटर पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो उससे आपका दही जो है बहुत खट्टा हो जाएगा इसमें खट्टे दही का ही इस्तेमाल होता है तभी आपकी इडली जो है वो बहुत टेस्टी बनेगी बस इसको हल्के हाथ से बिल्कुल मिक्स कर देंगे अब क्या करेंगे ये जो कटोरी है ना इसी से ही एक कटोरी हमें पानी भी डालना है तो बहुत आसान मेजरमेंट है दो कटोरी जो है हमारा मिक्सचर हो गया एक कटोरी दही और एक कटोरी पानी पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालिएगा बहुत ज़्यादा लम्ब बन जाएंगे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसको बस हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे मैंने आपने देखा है कि पानी पूरा नहीं डाला है आधा पानी डाला है और इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे पाँच मिनट के लिए और पाँच मिनट बाद हम बाकी ये पानी पूरा इस्तेमाल हो जाएगा लेकिन पूरा मैंने नहीं डाला है थोड़ा सा डाल के इसको रेस्ट करने देंगे पाँच मिनट के लिए फिर बाद में देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ पाँच मिनट के लिए रखना है उससे ज़्यादा इसको नहीं रखिएगा तो जब तक हमारा बैटर रेस्ट हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं कि ये जो मोल्ड्स हैं इनको ग्रीस कर लेते हैं फटाफट से तो थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए चाहे हाथ की हेल्प से चाहे ब्रश की हेल्प से सारे इसमें लगा दीजिए मोल्ड्स में इससे होता है कि इडली बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाती है अगर आप कटोरी में भी बना रहे हैं तो उसको भी आपको ग्रीस करना जरूरी है देखिए पाँच मिनट हो गए बैटर हमारा कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो ये जो बचा हुआ पानी है ये सारा इसमें डाल देंगे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है अगर आप मेरे ही मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे ना तो बिल्कुल बढ़िया आपकी इडली बनकर तैयार होगी तो ये मिक्स कर दिया मैंने और बैटर की कंसिस्टेंसी जो है ना बिल्कुल बढ़िया हो गई है फ्लोई जैसे हमारी इडली की बैटर की कंसिस्टेंसी होती है इसको बस हल्के हाथ से मिक्स कर दिया है और थोड़ा थोड़ा सा जो बैटर है हम अपने इडली मोल्ड्स में डालना शुरू करेंगे इस बैटर को मिक्स करके ज़्यादा देर के लिए नहीं रखिएगा फटाफट से बस मिक्स करिएगा पाँच मिनट वेट करिएगा और इंस्टेंटली फटाफट से इडली बनाइएगा वरना फिर बैटर जो है वो जो फ्लफी सा दिख रहा है ये बैठ जाएगा तो सारे मोल्ड्स में मैंने डाल दिया और आपने देखा है मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरा है क्योंकि ये इडली का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए थोड़ा थोड़ा खाली रखिएगा मोल्ड्स तो यहाँ पर मैंने बारह इडली के स्टैंड भर लिए हैं आप चाहें तो और भी बना सकते हैं जितनी आपकी ज़रूरत हो तो दो कटोरी में मेरी बारह इडली बन गई हैं मैंने जो उसका पॉट है उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया तकरीबन आधा कप और नीचे जो मेरे एक एक एक्स्ट्रा वाला स्टैंड था वो लगा दिया ऊपर से सारे स्टैंड को मैंने सेट कर दिया है एक एक करके अच्छे से स्टैक कर दीजिए ऊपर से लिड जो है उसको बंद कर दिया अच्छे से और अब इसको रख देते हैं माइक्रोवेव में यहाँ पे मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया है और मैंने जो इसका टेम्परेचर है उसको हाई कर दिया है ये मेरे पास तीन चार टेम्परेचर वाला माइक्रोवेव है तो मैंने हाई टेम्परेचर पे रखा है और सात मिनट के लिए वैसे तो सात मिनट में ये रेडी हो जाएगी लेकिन अगर किसी वजह से आप निकाल कर बीच में चेक करते हैं या सात मिनट बाद आपने चेक करा कि आपकी इडली नहीं बनी है तो आप दो तीन मिनट के लिए और रख दीजिए तो तकरीबन सात से आठ मिनट बाद मिलते हैं माइक्रोवेव खोल के देख लेते हैं बहुत केयरफुली अपना पॉट निकालिएगा बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बहुत ज़्यादा स्टीम बन रही होती है तो इसको बहुत आसान आराम से खोल लेते हैं देखिए इडलीज़ हमारी जो है ना दिख तो रही हैं पक गई हैं ऊपर से तो बिल्कुल फर्म है बढ़िया सी बन गई हैं तो एक आप या तो स्कीवर डाल के देख लीजिए या कोई भी फोक या नाइफ़ से इस तरह से डाल के देखिए बीच में डालिएगा क्लीन आई है इसका मतलब हमारी इडली जो है अच्छे से स्टीम हो गई है देखिए ऊपर वाली अगर जो हमारे स्टैंड है ना अगर वो अच्छे से स्टीम हो गया है बाकी सारे नीचे वाले जो दो तीन जितने आपने लगाए ना वो आराम से स्टीम हो जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टीम जो है वो नीचे ही लगती है तो ये तो हमारे सारे हो ही गए जब ऊपर वाला हो गया तो नीचे के भी हो ही गए अब हमें क्या करना है इनको रख देना है और दो से तीन मिनट के लिए बिल्कुल इनको छूना नहीं है थोड़े से दो से तीन मिनट बाद जब ये ठंडी हो जाएंगे ना देखिए कितनी आसानी से डीमोल्ड हो गई हैं हैं अभी भी गर्म लेकिन दो तीन मिनट थोड़ी से स्टीम निकलने के बाद जब हम इनको डीमोल्ड करते हैं ना तो इडलीज़ हमारी टूटती नहीं है और दिखने में कितनी टेस्टी लग रही हैं बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है तो इसी तरह से सारी जो है डीमोल्ड कर लेंगे और उसके बाद करते हैं इसकी प्लेटिंग और देखते हैं जो जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था इसका पैकेट क्लेम करता है वो ये फुलफिल कर पाई है या नहीं तो देखिए इडली जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है दबाने में ही पता चल रहा है कि बिल्कुल सॉफ्ट है और अंदर से आप देख सकते हैं कितने अच्छे ना इसमें जो एक जाल बनता है ना फर्मेंट होने का बहुत अच्छा बना है सो देखने में भी बहुत सॉफ्ट है मॉइस्ड है ऐसा नहीं है बहुत सूखी भी इडली है बहुत अच्छी मॉइस्ड बनी है तोड़ के देख लेते हैं अंदर देखिए परफेक्ट बिल्कुल जाल आया है सॉफ्ट इडली है तो इसको फटाफट से पहले इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे मैंने रख दी है इडली और इसका सांभर और चटनी मैंने पहले से ही बनाकर तैयार कर ली थी इसकी रेसिपी का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगी तो ये हो गया हमारा प्लेटर रेडी अब देखते हैं ये जो क्लेम कर रहा था वो ये फुलफिल करता है या नहीं तो मेकिंग टाइम 15 मिनट्स बिल्कुल 15 मिनट में ये बन गई थी थ्री इजी स्टेप रेसिपी है बिल्कुल सच में है सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है कि इडली बिल्कुल सॉफ्ट भी है स्पॉन्जी भी है और 20 से 25 फाइव इडलीज़ ये कह रहा है कि बन जाती हैं तो बिल्कुल बन जाती हैं ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव इडलीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट बात टेस्ट टेस्ट बहुत अच्छा था बिल्कुल मार्केट वाली इडली जैसा था तो वर्थ है बाइंग जी बिल्कुल बर, वर्थ है बाइंग आप इसको ख़रीद सकते हैं और बना सकते हैं अगर ये मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग